नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ लेकर। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू हॉस्पिटल में मरीजों का बुरा हाल है, जहां पर चिकित्सकों के घोर लापरवाही का मामला आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें गाजीपुर जनपद की एक महिला ने अपने मरीज को भर्ती कराया है, जहाँ पर उसने अपने मरीज के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को सुनाई है, जो वास्तव में बहुत ही शोचनीय व विचारणीय बात है। क्या मुलाकात हुई? नहीं मुलाकात। मेरा नाम शोभन जायसवाल है, मैं गाजीपुर से आई हूँ। मेरा बच्चा यहाँ कोविड वार्ड में एडमिट है 17 तारीख से, और यहाँ की दुर्व्यवस्था से मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं 17 तारीख से लगातार आपके बीएचयू में बैठ के ये डर से बैठी हूँ कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि अंदर की जो दुर्व्यवस्था है वो अब न मुझसे देखी जा रही है, न मुझसे झेली जा रही है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और आप सब लोगों से आग्रह है कि बस मेरे बच्चे को बाहर निकलवा दें, बस इतनी आग्रह है। आप यहाँ कैसे रहती हैं 17 को, किस तरीके से कार में बैठी, कैसे? बस मैं कार वहाँ खड़ी है, आप देख लीजिए, कार खड़ी है, उसी में बैठ रही हूँ। सुलभ शौचालय है वहाँ पे, बाथरूम हो ले रही हूँ, आपका अन्नपूर्णा भोजनालय, भूख लगती है तो खा ले रही हूँ, बस यही जीवन काट रही हूँ इतने दिन से यहाँ पे। बच्चे का क्या नाम है? पवन कुमार जायसवाल। बेटा क्या करता था आपका और क्या है? मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है सर, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। होली में घर आया हुआ था, पुणे पढ़ता है वो, होली में घर आया हुआ था, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। हमारा फैमिली बिजनेस वो देखता है, उस दौरान जो है उसको अस्थमा की दिक्कत बचपन से थी, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हमने कोविड का टेस्ट कराया, जिसमें फर्स्ट टेस्ट में जिसके लक्षण के जो रिजल्ट आते हैं उसमें उसका पॉजिटिव आया, तो हमने प्रिकॉशन के लिए कि हमारे और स्टाफ बाकी लोग ना परेशान हो, हमने बच्चे को बीएचयू बहुत ही बेस्ट जगह जान के यहाँ पे शिफ्ट कराया, कि यहाँ पे मेरा बच्चा अच्छे से ठीक भी हो जाएगा और उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। बस उसके बाद से फिर क्या, 17 तारीख को एडमिट किए, 17 तारीख की रात को पूरी रात इन लोगों ने पानी नहीं दिया बच्चे को, वो फोन करके रोता रहा कि मम्मी मेरा गला सूख गया है और मम्मी मेरी जान चली जाएगी। कुछ नहीं हुआ, मैं भी पानी बाहर से भेजने की कोशिश करती रही, कोई नहीं ले गया। सुबह 7 बजे जाके मेरे बच्चे को पानी मिला है। फिर 2 दिन किसी तरीके से इन लोगों ने मुझे एक इंजेक्शन की लिस्ट थमा दी, उसका ढूंढने में मुझे लगे इंजेक्शन मिले ही नहीं रहते, पूरे मार्केट में वो नहीं थे। इन्होंने कहा उमंग पे मिलेंगे, उमंग वाले ने मना कर दिया, और लास्ट में कुछ सोर्सेस लगा के हमें उमंग से जाके वो इंजेक्शन मिले, जो कि 4-4.5 हज़ार के आसपास मुझे एक इंजेक्शन मिला, वो भी हमने ले आके दे दिया, क्योंकि भैया आपका भी बच्चा होगा तो आप भी यही करेंगे। उसके बाद 22 तारीख की रात को वो फिर फोन करता है कि मेरी जान निकल रही है, मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि कोई पेशेंट बेड पे पॉटी कर दिया है और कोई भी क्लीन नहीं कर रहा है। मैंने कहा बेटा थोड़ा वार्ड से बाहर निकल के बैठ जाओ, लेकिन उसको ड्रिप लगी हुई थी, वो उस कंडीशन में भी जब उसको चक्कर आने लगे वो बाहर जाके, वार्ड के बाहर जाके जमीन पे लेट गया, और मुझे बार बार 5-5 मिनट पे फोन करके ये बोलने लगा कि मम्मी अब मैं नहीं बचूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि मेरी कंडीशन क्या हो सकती है। रात से लेके सुबह तक मैं दौड़ती रही, सबसे कहती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैंने माथुर साहब को कि कई बार कॉल किया, उन्होंने कहा बस मैडम हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में मैंने मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं अब बिल्डिंग में घुस के मैं खुद अपने बच्चे को निकाल ले आऊंगी। तो अभी कहां पर है वो, एडमिट कहां की? अभी वही है सर, कोविड वार्ड जो नई बिल्डिंग है उसमें 4th फ्लोर पे बेड नंबर 36 पे मेरा बच्चा है।